करीब 2.5 साल पहले फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तब ये एक तरफा मानी जा रही थी। रूस का पलड़ा भारी था, सेना से लेकर हथियार के मामले में यूक्रेन उसके आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन अब यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आने लगा है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके ड्रोन बनकर उभरे हैं। ताज़ा अपडेट में यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के परमाणु संयंत्र को अपना निशाना बनाया है। रविवार को कई धमाकों के बाद रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र में काला धुआं उठते देखा गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से रूस के परमाणु संयंत्र पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक कूलिंग टावर पर रविवार को कथित ड्रोन हमला किया गया, इससे ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र में एक कूलिंग टावर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इसे परमाणु सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है। रूस द्वारा नियुक्त अधिकारी एवगेनी बालिट्स्की ने कीव की सेना पर आसपास के शहर एनरहोदर पर गोलाबारी करके आग लगाने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने एक वीडियो प्रकाशित किया, इसमें काला धुआं एक कूलिंग टावर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिसर में आग लगाई है। जेलेंस्की ने बताया कि विकिरण संकेतक सामान्य थे। यूक्रेन ने अपने देश के लोगों को शांत रहने का आग्रह किया। इस बीच रूस की समाचार एजेंसी ने सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम के हवाले से बताया कि यूक्रेन में रूस के नियंत्रण वाले ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र में लगी आग को बुझा दिया गया है। खास बात यह है कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा में घुसकर कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन सेना रूस के क्षेत्र में 30 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है। इमारतों पर यूक्रेनी सैनिक अपने देश का झंडा भी लगा रहे हैं। इसे रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का इसको लेकर ऑफिशियल बयान भी आया है। उन्होंने यूक्रेन की सेना के रूस में घुसने की पुष्टि की है। जेलेंस्की ने 11 अगस्त की रात पहली बार अपने देश को संबोधित किया और स्वीकार किया कि यूक्रेन की सेना रूस के अंदरूनी इलाके में तेजी से आगे बढ़ रही है। जेलेंस्की ने कहा कि हाल के दिनों में रूस इसी क्रूस के इलाके से उस पर हमला कर रहा था और करीबन 2000 अटैक किए थे, इसलिए जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना क्रूस्क में काफी अंदर तक घुस चुकी है। रूस के उन ठिकानों को भी निशाना बना रही है जहां हथियार, गोला बारूद और बम रखे गए थे। यूक्रेन जिस तरीके से रूसी सीमा में घुसकर ऑफेंसिव लड़ाई लड़ रहा है उससे तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी चौंक गए हैं। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। रूस ने कहा कि उसकी सेना ने टॉलपिनो और ऑप्शी कोलेदेज गाँव के पास यूक्रेनी सैनिकों से मुठभेड़ की है। वहीं यूक्रेन के अधिकारी कई दिनों तक इस खबर के बारे में चुप्पी साधे रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में जब रूस ने पहली बार यूक्रेन पर अटैक किया था उसके बाद से यूक्रेन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में बहुत बदलाव किया है। एक तरीके से पहली बार सोवियत की छाया से निकलकर एक नाटो देश की तरह अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की। अमेरिका से लेकर वेस्ट के तमाम एक्सपर्ट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए हायर किया जो रूस से लड़ाई में उसके लिए मददगार साबित नजर आ रहा है।